क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इन्फिनिटी लीब्रा का रिव्यू। ये मैंने जापान से मंगाया था, उस लोट के अंदर आया था ये। तो भाई ये इन्फिनिटी लीब्रा है, काफ़ी सही सा लगता है यार। ये छोटा सा बेब्लेड और कलर भाई मस्त लगता है इसका। ये ग्रीन कलर और ये थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर। और बाकी ये देखो इसकी टिप, ये हिलती है गाइस। इसके अंदर मेटल का कुछ है और ये दो कुछ हैं बैलेंस के लिए। ये हमें जिलियन जूस में देखते हैं, जिलियन जूस में ऐसे कुछ नाम है इसका। हाँ तो ये है गाइस बेब्लेड। और इसकी जो लेयर है इससे देख के ही पता लगता है भाई ये एक स्टेमिना टाइप बेब्लेड है। तो अभी करते हैं इसका स्पिन और देखते हैं भाई, देखना तो क्या है। हाँ इसका वो देख सकते हैं टेस्ट, मतलब कितनी देर स्पिन करता है ये वो देख सकते हैं गाइस। पहले मैं निकाल लेता हूँ यार, रुको। ओके अभी मैं आता हूँ इसके फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड पे टाइम लैप्स के साथ। ओके गाइस 3 2 1 स्टार्ट। हाँ बंद होने वाला है गाइस, बस थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 2 मिनट मुश्किल से करेगा ये। हाँ 2 मिनट तो कर देगा शायद, क्योंकि अभी स्टेबल हो चुका है तो शायद कर देगा भाई 2 मिनट या फिर 1 मिनट 45 सेकेंड। कुछ तो भाई 30 सेकेंड भी नहीं चलते ड्रैगून जैसे। नहीं चल जाएंगे ड्रैगून जैसे, तो पेगासस जैसे नहीं। ओके 2 मिनट 7 सेकेंड तो ये है इसका रन टाइम गाइस। ठीक है मैं तो कहूँगा अच्छा ही है भाई। अभी इसकी थोड़ी सी फाइट भी कर लेते हैं। 6 बेब्लेड लिए हैं जिसमें से 3 तो एल ड्रैगो ही है, एक रेस स्ट्राइकर है, एक कॉस्मिक पेगासस है और एक रोक लियोन है। रोक है या फैंग लियोन है, रोक है शायद। ओके करते हैं भाई। हाँ रोकी है यार, मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ भाई गाइस, मेरे को नाम भूलने की बीमारी हो गई है, सॉरी गाइस। ओके करो भाई फाइट करो इनकी। अभी राइट राइट कर लेते हैं पहले, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट कर लेंगे। चलो भाई रुकियो, बाहर जाएगा भाई एक चक्कर में। गया नहीं भाई, बच गए। रोक लिया बाहर, ये तो अलग ही हो रहा है गाइस, मजा आ गया, मतलब सही है। हाँ तो रोक लियोन तो हार गया गाइस। अभी करते हैं रेस्ट्राइकर से, रेस्ट्राइकर जीत जाएगा शायद। अरे रुक जा भाई रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। इसका इसका ना पकड़ने वाला छोटा है, इसकी वजह से अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाता। कमऑन रेस्ट्राइकर शायद जीत जाए, क्योंकि इनका दोनों का ही फ्रेम एक जैसा ही है लगभग, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं इनके अंदर। देखते हैं गाइस काफी क्या होता है। ओहो थोड़ा सा जोश दिखाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। और रेस ट्राइकर भी हार गया गाइस इसी के साथ, पेगासस की बारी है अब। भाई लीब्रा का स्टेमिना ज़्यादा है इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब लीब्रा स्टेबल हो जाता है तो भाई उसकी जो बॉल्स होती है मेटल वाली, वो एक टाइप से उसको ज़्यादा स्पिन देती है। पता था मेरे को स्टेमिना बैटल में तो मुश्किल है भाई। रोक लियोन शायद जीत जाए बट रेस ट्राइकर नहीं। और सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज के लिए, अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। 5 मिनट मत चलाना अभी कोई भी, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी। फिर देखते हैं भाई कॉस्मिक पेगासस क्या करता है। गया कॉस्मिक पेगासस भी गया गाइस। अभी सिर्फ लेफ्ट स्पिन वालों पे आस बची है हमारी, क्योंकि राइट स्पिन वाले तो सारे ही हार गए। करते हैं भाई शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले से, फिर नीचे वाले तक जाएंगे। कॉस्मिक पेगासस हार गया गाइस, अगर शुरू में बाहर कर देता तो जीत जाता, अभी तो कोई चांस नहीं है। एल ड्रैगो जीतेगा, एल ड्रैगो गोल्डन वाला है हमारे पास, ओरिजिनल वाला भी लेंगे गाइस। 3 बेब्लेड हार चुके हैं और मेरे को लगता है सारे ही हारेंगे। भाई एल ड्रैगो तो पहली फाइट में बाहर कर दिया एल ड्रैगो ने, तो पहला बेब्लेड जो जीतता है भाई। ये क्या होता है, मतलब लेफ्ट स्पिन हमेशा क्यों जीतते हैं, समझ से बाहर है मेरे। देखा कहा था मैंने लेफ्ट स्पिन क्यों जीतते हैं, मेरे को पता नहीं है बट जीत जाते हैं। हर एक लेफ्ट स्पिन की यही कहानी है, 2 लेफ्ट स्पिन जीत गए। भाई राइट स्पिन कोई नहीं जीत पाया बट लेफ्ट स्पिन सारे जीत गए।
ये अलग ही कहानी भाई, ये तो जीत ही जाएगा, इसके तो मेरे को पूरा भरोसा है लाइटनिंग एल्ड्रैगो पे। कम ऑन लाइटनिंग भाई, गलती हो गई है। चलो तो एक एल्ड्रैगो हारता है, कोई बात नहीं, चलता है भाई, थोड़ा थोड़ा हार जीत, और कुछ भरोसा नहीं है भाई, ये एंड में भी टक्कर मार के बाहर कर सकता है। हॉस्टिल स्पिनिंग में तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, बट टक्कर मार के कुछ हो सकता है। कम ऑन, बोला था मैंने ये भाई, इस पे पूरा भरोसा है मेरे को। तो भाई देखो, तीन बेब्लेड जीते हैं, तीन बेब्लेड हारे हैं। तो ये है लीब्रा, राइट स्पिन में किसी से नहीं हारा, लेफ्ट स्पिन में किसी से नहीं जीता। तो भाई ये था वो बेब्लेड। ठीक है भाई, अच्छी लगी होगी वीडियो मेरे ख्याल से। तो अभी मैं कोशिश करूंगा डेली, डेली तो नहीं, या फिर हफ्ते में दो या तीन दिन मैं दो दो वीडियो डालूं। तो गाइस देखते रहो यार, मजे करो। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये शुरू हो गए हैं फिर से। तो बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।